देखिए, अब जब मतदान संपन्न हो गया तो सबसे पहले सबकी नजर थी एग्जिट पोल्स पर। ऐसे में मध्य प्रदेश का एग्जिट पोल क्या कहता है? एमपी की 29 सीटों पर भी एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी में भी खुशी की लहर दिखाई दे रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के 29 सीटों पर 27 से 29 सीटें जीतने का अनुमान है। अब मध्य प्रदेश पर फाइनल एग्जिट पोल क्या कहता है, समझिए इस खास रिपोर्ट से। चुनावी शोर के बाद अब रिजल्ट के लिए हर पार्टी टकटकी लगाए बैठी हुई है। आज शाम सातवें चरण की वोटिंग तो थम गई, लेकिन अब एग्जिट पोल से सियासी गलियारों में एक बार फिर तूफान आ गया है। मध्य प्रदेश में मिशन 29 चलेगा या फिर कांग्रेस का जादू, क्या होगा फैसला, इसके बारे में हर एक टीवी चैनल अपने अपने आंकड़े लिए बैठा हुआ है। एग्जिट पोल पर सियासत के आंकड़ों के लिहाज से अगर नतीजों को समझने की कोशिश की जाए तो इंडिया टीवी अपने एग्जिट पोल में एनडीए को मध्य प्रदेश में 26 से 28 सीटें दे रहा है, तो वहीं इंडिया ब्लॉक के खाते में 1 से 3 सीटें आती दिखाई दे रही हैं। एबीपी न्यूज के एग्जिट पोल की बात करें तो एनडीए के खाते में 26 से 28 सीटें आ रही हैं, यानी कि बीजेपी 26 से 28 सीट पर फतह कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस के हिस्से 1 से 3 सीटें आ रही हैं। इंडिया टुडे की भी बात कर ले तो इंडिया टुडे मध्य प्रदेश में बीजेपी को 28 से 29 सीटें दे रहा है, तो वहीं कांग्रेस के खाते महज 1 सीट ही आती दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी का मिशन 29 बहुत हद तक पूरा भी होता दिखाई दे रहा है, तो वहीं प्रदेश के मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री ने तो प्रधानमंत्री मोदी के सर एक बार फिर प्रधानमंत्री का ताज सजाने की बात तक कह दी है। सच ये है कि मोदी जी देश की जनता का विश्वास है और श्रद्धा के साथ लोगों ने मोदी जी को वोट किया। देश भर में 365-70 के ऊपर तक एनडीए की जो सीटें जा रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कहा था वो करके दिखा रहे हैं। हालांकि इन एग्जिट पोल्स और बीजेपी की जीत के दावे पर कांग्रेस ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस अपनी जीत के लिए आश्वस्त है, लड्डू के ऑर्डर भी दे चुकी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल्स की बात करें तो मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से 24 पर भाजपा और 5 सीटों पर कांग्रेस की जीत बताई गई थी। हालांकि वोटों की गिनती के बाद बीजेपी के खाते में 28 सीटें आ गई, जबकि कांग्रेस केवल 1 छिंदवाड़ा सीट ही जीत पाई। लेकिन इस बार तो एग्जिट पोल एक टुक एनडीए के पक्ष में दिख रहा है। अब देखना होगा कि इस बार के एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज़।